फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी प्रियंका आ गई है फिर से आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर। और अब हो रहा है टाइम, हो रहा है शाम के, बज रही है 4। और जो है आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप लोगों ने मेरे पहले वाले ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, उस ब्लॉग को। तो उसी ब्लॉग को मैं आज, मतलब बहुत पहले ये ब्लॉग मैंने बनाया था, बीच में मेरी कंटिन्यूटी छूट गई थी, 1.5 साल मैंने बीच में बिल्कुल ब्लॉग नहीं डाले हैं। तो वो वाला ब्लॉग जो विलेज लाइफ वाला ब्लॉग है, वो ब्लॉग मैं आज फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आपको वो ब्लॉग जैसा पहले पसंद आया था वैसा ही पसंद आएगा, आप लोग उतना ही प्यार इस ब्लॉग को भी देंगे। और पसंद आए तो पता है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा आप लोगों का प्यार और साथ दोनों मेरे साथ बनाए रखिएगा। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बनाई है ये पोनी, क्योंकि है ना ये मैं काम करूँगी तो पीछे बाल लगते हैं, तो आज मैंने ऐसी ही बना ली है, तो ये वाली साड़ी पहन ली है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। और देखो फ्रेंड्स क्या निकला है, ये निकला है नोकिया का फोन जो बहुत पहले आता था ना, 1200 1600, मुझे पता नहीं है 1200 है 1600 है ये। तो ये है, और ये देखो आयुष को मैंने खेलने के लिए दिया था, ये मेरे पास रखा हुआ था। मैंने सारे की पैड सारे बटन सड़ा के फेंक दिए हैं, और ये देखिए क्या हालत हो रखी है। मैं आपको बता रही थी ना कि अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो इस चारपाई की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये हमें पहले इस कवर को हटाना होगा, और ये पूरी देखिए बच्चों ने इसको हटा दिया, इसकी सिलाई को, तो इसको हम हटा देते हैं। ये देखो ये पूरी हट गई है, और बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, नीचे की साइड से भी देखो कितनी सारी गंदी हो रखी है, और इतनी टाइट हो गई है गंदगी की वजह से बहुत ज़्यादा। तो इसको पहले हमें वॉश करना पड़ेगा, फिर इसको जो है हम फिर से चढ़ाएंगे। मैं आपके सामने लेके आई हूँ वो है हमारा चारपाई का कि खटिया कैसे बनाई जाती है, एक रोपवे को कैसे टाइट किया जाता है, वो वाला ब्लॉग आज है आप लोगों के लिए। तो ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ फिर, ये कितनी ढीली हो रही है, ये देखो बहुत ज़्यादा ढीली हो रखी है इस साइड से। तो अगर जैसे सो गए ना तो इस जगह आपके बैक में दर्द हो जाएगा, और अगर मैं सोऊँगी तो मेरे बैक में पहले से ही दर्द है, तो इस वजह से अब हम इसे करेंगे टाइट। पर इसमें भी डस्ट है, तो हम यूज़ करेंगे इसका बैट का। तो पहले मैं ना थोड़ा सा अपनी साड़ी को लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पता नहीं आजकल क्या एलर्जी सी होने लगी है, जुकाम हो जाती है बहुत जल्दी, जुकाम और खांसी, तो पता नहीं कभी कभी हो जाती है कभी कभी नहीं होती है, पता नहीं क्या हो रहा है। और ये देखो काफी सारी डस्ट हुई है, मेरे पैरों में लग रही है डस्ट, डस्ट निकालना बहुत जरूरी था, क्योंकि फिर बाद में अगर इस पे कवर चढ़ जाता ना तो फिर दिक्कत आती। तो इसे हम बिछा लेते हैं फिर से, और अब हमें इसे, इसकी नॉट लग रही होगी कहीं पे, वो खोलनी है, क्योंकि इसको टाइट करने के लिए पहले उसे खोलना पड़ेगा ना। और फ्रेंड्स ये रही नॉट, ये वाली नॉट जो हम खोल लेते हैं इसको, नॉट है हमने जो है वो गार्ड खोली थी ना वहाँ से ही होगा। और ये चारपाई ढीली क्यों पड़ी, ये देखो वो ऊपर ऊपर दिखाती हूँ आपको, ये खुल गई थी, और ये देखो। और मम्मी जब पहले आई थी ना, आयुष हुआ था उस समय भी थोड़ी ढीली थी, तो मम्मी को अच्छे से नींद नहीं आई इस पर, तो अब मम्मी आने की बोल रही थी, अब आएंगी मम्मी, क्योंकि मम्मी की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, वो डॉक्टर को दिखाने अगर आएंगी ना तो कहेंगी कि अभी तक टाइट नहीं हुई है, आपको नॉट तोड़ गया इससे, नाखून लग गया, मुझे करना पड़ेगा थोड़ा सा ऐसे। और ये देखो कितने ढीले है, देखो कितने एक्स्ट्रा है अभी, चार पाई भी बनना है ना खेल जैसा है, और दो लोग होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग सा लगता है, कहते हैं ना जोर लगा के हैया। हाँ
बहुत दिन से सोच रही थी इसको टाइट करने की, पर क्या करें टाइम ही नहीं होता है, और ये वहाँ से हो गई है तो मुझे जाना पड़ेगा उधर उस साइड। ये देखो ये इसके नीचे आ गई है ना, तो इसे खींच नहीं रही है बिल्कुल भी, और ये उल्टी सुलटी और पता नहीं कैसी हो गई है। एक दूसरे पे ऐसे चढ़ी हुई है इस तरह से, तो फिर थोड़ी दिक्कत आ रही है इस तरह से, फीलिंग ऐसी आ रही है कोई पानी लेके आते हैं ना वो फीलिंग आ रही है। शहरों में तो आजकल ये सपने ही हो गए हैं देखने के लिए लोगों को, बहुत मुझे लगता है बहुत बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता चारपाई क्या होती है खाट क्या होती है, क्योंकि वो देखते ही नहीं बेचारे पैदा होते ही बैठते हैं, उन्हें क्या पता कि खाट में और चारपाई पे जो सोने का मजा है वो बेड पे नहीं है। हाँ पर ये है कि अगर किसी के बैक वैक में दर्द हो ना तो उसके लिए बेड ही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसके लिए प्लेन जगह चाहिए बैक के लिए बिल्कुल समतल हो। जो सबके सीजन में देखते हैं कौन उस पर सोता है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति होता है ना इसलिए, वैसे इस सीजन में कौन स्पेस होता है कौन बनता है खटियापति। तो ये देखिए जो खटिया में सोएगा वो खटियापति, जो करोड़ पाता है वो करोड़पति, जो लख पाता है वो लखपति। तो इसलिए देखते हैं कौन बनता है खटिया। ये कितनी गली थी ये देखो अभी, देखा ऐसी इतनी हो रही है कि आप इससे आराम से रस्सी पोस सकते हो। देखो तो अब हमें ये वाली लाइन, जैसे ये खड़ी वाली लाइन थी वो तो हमारी टाइट हो चुकी है, देखो अब हमें ये वाली करेंगे ना तो ये और थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो हमें अपना सिंहासन है ना जो इसे चेंज कर लेते हैं, उठा लेते हैं इसको। देखो इसको साथ में ऐसे सही करते जाएंगे। और फ्रेंड्स बहुत लोग तो जानते नहीं है खटिया क्या है, और बहुत लोग काफ़ी लोग जानते भी हैं पर उनको आता नहीं होगा कि खटिया किस तरह से बनी जाती है, किस तरह से टाइट की जाती है। तो देखिए इस तरह से, अगर आपके पास आप दो लोग हैं तो बहुत इजी है, इसे गेम जैसा लगेगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा बोरिंग सा नहीं लगेगा, बोरिंग जैसा काम नहीं लगता है, है ना। तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और इस तरह से आप इसे टाइट कर सकते हैं या बन सकते हैं। अच्छा लग रहा है शौर्य गेम खेल के? अच्छा लग रहा है शौर्य में, जैसे मैं खींच रही हूँ जैसे शौर्य खींच रहा है। अरे भैया खाट को नहीं खींचना, इसको खींचना है, इस वाली को खींचो ऊपर वाली को, इसको हाँ बच्चे को भी मजा आ रहा है खेलने में। और खींचो थोड़ा सा, और थोड़ा सा और खींचो, थोड़ा सा और खींचो, अब ऐसे टाइट पकड़ के रखो, मम्मा खींचेगी उसको, इसको पकड़ो ऊपर से। और ये फ्रेंड्स बिल्कुल लास्ट ओवर है इसका, छोटा सा बना था ये। अभी एक बार और चला जाएगा ये उधर, तो पहले हम इसे कर लेते हैं ठीक थोड़ा सा इस तरह से। तो देखिए मतलब अगर आप बन रहे हैं तो ये देखो, जैसे ही इस वाले की ये नीचे है ये वाला, तो अब इसके ऊपर ये जाएगा, और इसके ऊपर ये है तो इसके नीचे ये आएगा, इस तरह एक दबाना है एक उठाना है, एक दबाना है एक उठाना है, समझ में आ गया, एक को दबाओ और एक को उठाओ। इसके ऊपर से आ रहा है इसके नीचे से आ रहा है, मतलब ये दब रहा है ये उठ रहा है।
जोर से खींचो और खींचो। तो आप चाहो तो इसे सिल सकते हैं। जैसे देखिए हमने वो सिल रखा है, वो वाला हिस्सा जहाँ से शुरुआत की थी ना, वहाँ से उसको सिल रखा है। इस तरह से इसे सिल सकते हो, पर वो सिलने में टाइम लगेगा क्योंकि उसे थोड़ा सा 3 या 4 बार सिलाई लगाने पड़ेगा टाइट टाइट, इस वजह से। और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, इस वजह से मैं अभी टेम्परेली गांठ लगा रही हूँ। पर मैं अभी फिर इसे जैसे कवर चढ़ाऊँगी उससे पहले इसे एक बार और हल्का सा टाइट करूँगी। ये हमारी गांठ लग चुकी है और अब हमारी हो चुकी है चारपाई टाइट। ये देखिए आपको दिखाती हूँ मैं, पहले जैसे मैंने दिखा था ना आपको कि ये बहुत ही जो है ढीली थी और अब ये काफ़ी टाइट हो गई है। देखो ये देखो काफ़ी टाइट है, जैसे पहले इधर कितने गड्ढे पड़ रहे थे ना, अब गड्ढे नहीं पड़ रहे हैं आराम से। अब मैं बैठूंगी ना तो भी देखो आराम से। सॉरी लेट जाओ इस पर, इसको तो हटा दो बेटा, ये गंदा हो रहा है। तो यहाँ हम दोनों मम्मी बेटे लेट गए हैं आराम से, इतनी मेहनत की है, वैसे तो दंत ही हो गया बैठे बैठे। अरे यार हाय राम, तो सही लग रहा है, अब मम्मी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमारी चारपाई तो रेडी हो चुकी है, खटिया बन चुकी है। तो चलिए अब जो है अब आपको दिखाती हूँ इसमें कितनी गंदगी निकली थी, वो भी आपको दिखा देते हैं। चलो सोरे उठो, तो फ्रेंड्स अब आपको दिखाती हूँ कि ये जो चारपाई है ना खटिया हमारी, उसमें से कितनी सारी डस्ट निकली है और बहुत ज़्यादा बारीक वाली डस्ट इसमें से निकली है। और ऐसा लगता है ना कि जैसे ये चीज़ें हमारी साफ़ है फिर भी उनमें से बहुत सारी डस्ट जम जाती है, क्योंकि हम डेली जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना तो उससे डस्ट इनमें भी जमती है। जैसे सोफ़े हैं, सोफ़ों में भी बहुत ज़्यादा निकलती है। तो एक दिन मैं सोफ़े को भी इसी तरह से थोड़ा सा साफ़ करूँगी। तो चलिए यहाँ जो है हमारी ये डस्ट देखो कितनी सारी इसमें से निकल चुकी है। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में आपने देखा कि किस तरह से जो है खटिया बनाई जाती है, उसको टाइट किया जाता है। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और प्लीज़ इस लाइफ के ब्लॉग देखना आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।